आख्यो रे पंछी मार क्षेत्रवासी ग्राम ताल ग्राम डडलू गांव गमगढ़ गांव ज्ञानजा खरवा चांदपुर बसुंगा और अन्य जो भी भक्तगण उनकी ओर से जो ये दीपदान हो रहा है ये हमारे देश के जो जगन्नाथ भक्त हैं चाहे विश्व के किसी और कोने पे हों जो भी जगन्नाथ भक्त हैं उनकी शुभकामनाओं के लिए भगवान जगन्नाथ से हम ये दीप प्रज्वलित करके ये प्रार्थना करते हैं कि उन सभी जगन्नाथ भक्तों को हम तो जगन्नाथ भक्त हैं ही लेकिन विश्व में जहाँ कहीं भी जगन्नाथ भक्त हैं विशेषकर जो है जगन्नाथ की पूरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी के ज्यादा भक्त हैं विश्व के अंदर, तो मेरा उड़ीसा वासियों से भी और जगन्नाथ भक्तों से भगवान जगन्नाथ से ये कामना करता हूँ कि उनकी मनोकामना पूर्ण करे, स्वस्थ रखे सभी जगन्नाथ भक्तों को। जय ढोल देवता, जय इष्ट देवता। जो यहाँ भव्य कार्यक्रम हुआ मैं सभ्य सांची जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने अपनी सब पत्नी सहित यहाँ आए और मीडिया के थ्रू जो प्रचार प्रसार किया इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और अपनी सरकार धामी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी जिन्होंने यह बात संज्ञान में लेके इस पे कोई पक्ष न रखते हुए जिन्होंने यह बात ली है और हमारे भगवान श्री जगन्नाथ जी जो गुप्त रूप में थे जो विष्णु रूप में हैं उनका जो मंदिर का जो निर्माण जो पूरे हमारी वरुणा घाटी का जो पर्यटन के रूप में लेने का जो उन्होंने जो निर्णय लिया है इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत अपनी पूरी जनता पूरी ग्राम सभा काल पूरी वरुणा घाटी की ओर से उनका बहुत बहुत हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ। जगन्नाथपुरी के मुख्य रावल जनार्दन पार जोशी जी हैं, उनके माध्यम से वो विगत वर्ष जब यहाँ आए थे उन्होंने यहाँ मंदिर की स्थिति को देखते हुए जो है अपने प्रतिनिधि को सभ्य साची जी को जो है 28 और 29 तारीख में यहाँ पर भेजा। 28-29 तारीख में जब यहाँ पर भेजा उन्होंने यहाँ सब हम लोगों से आप सभी लोग थे सभी का सहयोग था, उन्होंने हमारे बीच रहकर हमारी बातों को सुना समझा भगवान के मंदिर के बारे में जानकारी ली। जब वो यहाँ से जो है उड़ीसा गए उड़ीसा में उन्होंने मीडिया के माध्यम से साल्ड के जो भी ये जनता है माता है बहनी है आपका जो है इस दीपदान के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो है बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की बात को बहुत ध्यान से सुना और क्योंकि वो भी जगन्नाथ भक्त हैं हमारे धामी जी ने शहर से बात स्वीकार की कि जगन्नाथ मंदिर साल्ड को जो है हम मंदिर माला मिशन में मंदिर माता मिशन में जोड़ देंगे। राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित पात्रा जी उन्होंने इस बात पर विशेष रुचि ये दिखाई कि वो व्यक्तिगत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के पास जो व्यक्तिगत रूप से मिले हैं देहरादून में और उन्होंने मंदिर के संबंध में जो है पूरी जानकारी दी। उसमें भी मुख्यमंत्री महोदय ने ये आश्वासन दिया कि पूर्व ही जो है शिक्षा मंत्री जी से केंद्र के जो शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी उनसे मैंने वार्ता कर ली है और मैं आपकी इस बात को सहर्ष जो है स्वीकार करता हूँ। मेरी सरकार से उत्तराखंड सरकार से जो हो बनेगा पड़ेगा मैं उसके लिए जो है वचनबद्ध हूँ, ये उनके लब्ध। गंगोत्री क्षेत्र के जो विधायक हैं श्री सुरेश चौहान जी उन्होंने भी हमारे इस मंदिर के संबंध में अपने वक्तव्य जो है प्रसार किया है और वो भी हमारे मंदिर के लिए जो है प्रतिबंध है वो भी जो है जगन्नाथ भक्त है। महारानी राजलक्ष्मी जी उन्होंने भी जो है हमारे मंदिर के संबंध में जो है सकारात्मक क्योंकि वो हम राज परिवार से हैं और मंदिर और उसके बारे में जो है वो वाकिफ रहते हैं और उनकी भी जो है भगवान बद्रीनाथ जगन्नाथ के प्रति जो है अपार श्रद्धा है, वो भी इसके लिए जो है अथक प्रयास कर रहे हैं। गंगा मैया की, यमुना मैया की, बद्री विशाल भगवान की, गो माता की, सभी भक्तों की
जितने भी यहाँ पे लोग आए हैं जगन्नाथ जी के चरणों में, आपकी कृपा से, आपके चरणों की धूल से हम लोग आज सब यहाँ पे सकते रखें और मेरे क्षेत्र का विकास हो। मैं सभी लोगों को, सभी मेरे भाई, सभी मेरे बड़े बुजुर्गों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन श्री जगन्नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ। मेरे भाग्य में भी आज शुभ काम लिखा हुआ था, जगन्नाथ जी कृपा से मैं आपके चरणों में आई। आपको कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, जितने भी समाज सुधारक हैं, मैं सबको एक संदेश देना चाहती हूँ, अपने क्षेत्र को मजबूत रखो, एकता रखो और अच्छी वाणी रखो, क्षेत्र का अच्छा प्रचार हो। कोई प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जो जो है जड़ से हमारे यहाँ जो भगवान जी की, जगन्नाथ जी की जो है जो महिमा है, श्री जगन्नाथ जी की जो भूमि है, यहाँ का प्रचार पर सही होना चाहिए, सत्य वचन होने चाहिए, असत्य की जीत कभी नहीं होनी चाहिए, सत्य की जीत होनी चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी की जय। एकादशी के शुभ पर्व पर हम अपने इष्ट आराध्य देव जगन्नाथ के समीप यह दीप इस उद्देश्य से प्रज्वलित कर रहे हैं कि हमारे जगन्नाथपुरी के मुख्य रावल पाठ जोशी जी की कृपा से एवं सभ्यसाची जी की कृपा से, उनके अथक प्रयास से उड़ीसा ले गए और उन्होंने वहां पर मीडिया के माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करवाया। तो सारे जो हमारे जगन्नाथ भक्त हैं वो अति प्रसन्न हो गए, उन्होंने वीडियो देखा। उन जगन्नाथ भक्तों के लिए जो विश्व के अंदर जगन्नाथ भक्त हैं, उनकी दीर्घायु की कामना के लिए, उनकी मनोकामना के लिए भगवान जगन्नाथ से विनती स्वरूप हम ये दिया जो है जलाए हैं। सबसे पहले हम जनार्दन पाठ जोशी जी का धन्यवाद करते हैं, साची जी का भी धन्यवाद करते हैं एवं उनकी पत्नी श्रीमती अर्चिता जी साहू जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारे जगन्नाथ मंदिर साल का बहुत व्यापक मात्रा में जो है विश्व के अंदर, देश के अंदर, विदेश के अंदर चारों तरफ जो इन्होंने प्रचार प्रसार करवाया। और इसमें धर्मेंद्र प्रधान जी जो देश इस समय हमारे देश के जो कैबिनेट शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके अथक प्रयास से उत्तराखंड के जो धामी जी हैं मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमारे जगन्नाथ मंदिर की बात को स्वीकार की कि बिल्कुल मैं इसको जो है मंदिर माला प्रोजेक्ट में जो है वो घोषित कराऊंगा। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का भी हम जो धन्यवाद अर्पित करते हैं कि उन्होंने हमारे जगन्नाथ मंदिर की जो समस्याएं हैं उनको विश्व पटल पर देश में मंदिर माला मिशन में जोड़ने के लिए जो वचन दिया है वो अपने वचन को अवश्य निभाएंगे, यही मेरी उनसे कामना भी है। अमित पात्रा जी भी का भी धन्यवाद है, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी से, धामी जी से मिलकर के जो है मंदिर, जगन्नाथ मंदिर के विकास हेतु जो है अपना अमूल्य सहयोग दिया। साथ ही हमारे विधायक जी हैं सुरेश चौहान जी, राज्य माल्य लक्ष्मी जी है जो हमारे सांसद हैं, सभी के अथक प्रयास से जो है जगन्नाथ मंदिर साल का जो पर्यटन की दृष्टि से जो प्रचार प्रसार जो हुआ है और शासन प्रशासन से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जो हमें जो आश्वासन मिले हैं कि हम इसको मंदिर माला मिशन में जो है वो जोड़ेंगे, तो हम उनसे पूरी आशा करते हैं। भगवान जगन्नाथ से यह विनती करते हैं कि इन सभी महानुभावों को जो भी जिन्होंने जो है हमारे जगन्नाथ मंदिर के प्रचार प्रसार के लिए मीडिया के सामने रखा है इसको और मुख्यमंत्री जी तक जो है इस आवाज़ को पहुंचाया, उसको सभी साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अंत में सभी जगन्नाथ भक्तों का, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, चाहे अपने घर गांव में कहीं भी हो, विश्व के अंदर जहाँ भी हो जगन्नाथ प्रेमी, उन सभी जगन्नाथ भक्तों का जो है भगवान जगन्नाथ जो है मनोकामना पूर्ण करें।